पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों आज है 4 अगस्त और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इस वीडियो क्लास में आपसे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछू उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसमें क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों मैं अन अकेडमी पर ही पढ़ाता हूँ तो आप अन अकेडमी का लर्निंग है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके फॉलो जरूर कर लीजिए या फिर मैं अपने मैं अन अकेडमी प्रोफाइल की लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस लिंक की क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे द्वारा बनाए गए बहुत सारे कोर्सेज को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा यदि आपको थोड़ी सी मदद या हेल्प मिलती हो इस वीडियो से तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन है घंटी उसको जरूर ऑन कर लें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में पाँच बजे करेंट अफेयर वीडियोस मिलती रहे दोस्तों ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट का क्या नाम है तो हिंदी बोलने वाले विश्व का पहला रोबोट का नाम दोस्तों रश्मि देखिए दोस्तों तो रांची स्थित एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं रंजीत श्रीवास्तव क्या नाम है उनका रंजीत श्रीवास्तव दुनिया के पहले हिंदी भाषी मानव सादृश रोबोट का विकास कर रहे हैं और अभी तक केवल बता रहे हैं कि पचास हज़ार रुपये खर्च करने का उन्होंने दावा किया है ऐसा आपको बता दें कि रश्मि नामक रोबोट दोस्तों ये जो है तो भोजपुरी मराठी और अंग्रेजी भी बोल सकता है और चेहरे की अभिव्यक्तियों और अभिज्ञान प्रणाली से युक्त है आपको बता दें दोस्तों कि वो 2016 में हांगकांग से बने मानव सदृश सोफिया को देखने के बाद रश्मि बनाने के लिए प्रेरित हुए हैं ठीक है तो रश्मि जो है दोस्तों किसको ये बना रहे हैं तो ये रांची के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है रंजीत श्रीवास्तव जी वो जो है तो पहले हिंदी भाषी मानव सदृश रोबोट का विकास कर रहे हैं ठीक है दोस्तों बात रांची की हो रही है तो बता दें झारखंड के बारे में झारखंड की कैपिटल है रांची और यहाँ के जो गवर्नर है झारखंड के वो हैं द्रौपदी मुर्मू और बात करें मुख्यमंत्री की तो वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास और झारखंड से रिलेटेड एग्जाम में दो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है जमशेदपुर में ठीक है जमशेदपुर में और वहीं बात करें दोस्तों भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान यानी भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये स्थित है रांची में ठीक है भारतीय लाख अनुसंधान जिससे लाह भी बोलते हैं वो स्थित है रांची में झारखंड की कैपिटल रांची में और दोस्तों रांची से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बता दे दो जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से पूछा जाता है कि पलामू बेतला अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है ये स्थित है झारखंड में दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य भी झारखंड में और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण ये तीनों अभ्यारण्य एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो पलामू जो कि बेतला अभ्यारण्य भी कहते हैं इसको ये झारखंड में स्थित है दालवा वन्यजीव सेंचुरी और हजारीबाग वन्यजीव सेंचुरी तीनों झारखंड में स्थित हैं ठीक है और दोस्तों यहाँ पे सोफिया की बात करें तो सोफिया को के बारे में आप सुने होंगे नहीं सुने तो बता देता हूँ सोफिया जो दोस्तों दुनिया की पहली रोबोट है ठीक है दुनिया की पहली मानव रोबोट है आपको बता देते हैं दोस्तों सोफिया नागरिकता हासिल करने वाली दुनिया की पहली ऐसी रोबोट है और ये सोफिया को सऊदी अरब ने पूर्ण नागरिक घोषित कर रखा है ठीक है इसके अलावा आपको बता दें सोफिया को देश का नागरिक होने का मतलब उस देश के सभी अधिकार जो उस देश के रहने वाले नागरिकों को प्रदान करती है ठीक है बात करें दोस्तों यहाँ पे मारिया एस्टेला पैरो की तो बता दें कि विश्व प्रथम महिला राष्ट्रपति वो थी मारिया एस्टेला पैरो ठीक है विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी मारिया एस्टेला पैरो जो कि अर्जेंटीना में थी और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आपको बता दें कि विश्व में जो प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर थी वो थी श्री माओ भंडार नाइक जो कि कहाँ से थे श्रीलंका की तो विश्व प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमाओ भंडारनायक जबकि विश्व प्रथम महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों मारिया एस्टेला पैरो ठीक है मारिया एस्टेला पैरो जो कि अर्जेंटीना की थी बात करो दोस्तों आरती प्रधान की बता दें दोस्तों जिब्राल्टर जनसंधि को पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी प्रथम महिला कौन थी जो कि भारतीय थी आरती प्रधान थी ठीक है जिब्राल्टर जनसंधि को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी आरती प्रधान थी ठीक है तो हिंदी बोलने वाला विश्व के पहले रोबोट का क्या नाम है ये नाम है दोस्तों रश्मि ठीक है इसका निर्माण कौन कर रहे हैं एक जो डेवलपर हैं रांची के वो हैं संजीव रंजीत श्रीवास्तव जी ठीक है दोस्तों तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है आप नोट जरूर करिएगा इसी तरह मैं हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट शेयर करता करूँ तो वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा चलिए और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए क्योंकि आपको यदि साइंस का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए वहाँ पर मैं अपलोड कर दिया हूँ ऑनलाइन सी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पेज है या फिर आप अपने डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में लिंक दे दिया तो उस लिंक पे भी क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए वहाँ पे भी बहुत सारे जीके ट्रिक्स वगैरह शेयर करता हूँ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है तो उसमें सर्च करके आप फॉलो जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ यदि आपको पूरे मंथ का एक साथ वीडियो फाइल चाहिए करंट अफेयर्स की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की फॉर्च्यून 500 लिस्ट में सबसे शीर्ष पर कंपनी दोस्तों वो है वॉलमार्ट यानी ऑप्शन भी राइट है देखिए दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी निगमों की फॉर्च्यून फाइव हंड्रेड की सूची में कितने सात भारतीय कंपनी को इसमें सूची की सूचीबद्ध किया गया कितने में इसमें कितनी कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया सेवन कंपनियों को ठीक है और आपको बता दें कि अमेरिका स्थित जो खुदरा कंपनी है रिटेल है वो वालमार्ट इस सूची में सबसे टॉप पर है ठीक है और आपको बता दें दोस्तों कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की सबसे ज़्यादा रैंकिंग वाली कंपनी है ठीक है और इसका स्थान था दोस्तों दो में अभी एक स्थान पर है ये और दो में थी एक स्थान पर ठीक है तो एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दोस्तों वालमार्ट के बारे में आपको बता देता हूँ वालमार्ट दोस्तों जो है तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई नाइनटीन टू में ठीक है दो जुलाई नाइनटीन सिक्सटी टू में इसकी स्थापना हुई थी इसके फाउंडर थे दोस्तों सैम वाल्टन ठीक है सैम वाल्टन इसके फाउंडर थे वॉलमार्ट कंपनी की अमेरिका की एक खुदरा कंपनी है बात करें दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की इसकी स्थापना हुई थी नाइनटीन सिक्सटी फोर में कब हुई थी स्थापना नाइनटीन सिक्सटी फोर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी इसके वर्तमान चेयरमैन है संजीव सिंह कौन है चेयरमैन वर्तमान संजीव सिंह वर्तमान चेयरमैन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के दोस्तों भौगोलिक संकेतों के लिए लोगो और टैगलाइन किसने लॉन्च किया है तो भौगोलिक संकेतों के लिए लोगो और टैगलाइन दोस्तों सुरेश प्रभु जी ने लॉन्च किया यानी ऑप्शन डी राइट है देखो दोस्तों जो भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं सुरेश प्रभु जी ने देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भौगोलिक संकेतों यानी जी के लिए लोगो और टैगलाइन विकसित किया है लॉन्च किया है आपको बता दें दोस्तों कि जी आई टैग के लिए जो नारा है वो है इन वैल्युएबल Treasures ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया आपको बता दें जीआई उत्पाद मुख्य रूप से कृषि प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है ठीक है तो भौगोलिक संकेतों के लिए जो तो है तो लोगो और टैगलाइन किसने लॉन्च किया है तो लॉन्च किया भारत के जो केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री और सुरेश प्रभु जी ने लॉन्च किया है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दुनिया की पहली ट्रिलियन डॉलर की सार्वजनिक कंपनी कौन बन गई है दुनिया की पहली ट्रिलियन डॉलर की सार्वजनिक कंपनी बन गई है एप्पल यानी ऑप्शन सी राइट है देखो दोस्तों एप्पल दुनिया की पहली ट्रिलियन डॉलर की सार्वजनिक कंपनी बन गई है क्योंकि इसके शेयर मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है इसके अलावा दोस्तों एप्पल की स्थापना के बयालीस साल बाद कंपनी ने एक ट्रिलियन डॉलर बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा छुआ है और यूएस स्टील से एक सालों बाद पहली कंपनी बन गई है जिसकी कीमत उन्नीस में एक बिलियन थी आपको बता दे दोस्तों कि एप्पल की स्थापना हुई थी नाइनटीन में और इसके संस्थापक थे स्टीव जॉब्स रोनाल्ड वेन और स्टीव बोजनिक ने की थी और वर्तमान इसके चेयरमैन कौन है एप्पल के तो एप्पल के वर्तमान चेयरमैन है दोस्तों वो हैं ऑर्थर डी लेवेंसन ऑर्थर डी लेवेंसन वर्तमान चेयरमैन है स्थापना हुई थी नाइनटीन में तो दुनिया की पहली ट्रिलियन डॉलर की सार्वजनिक कंपनी कौन बन गई है यूएस कंपनी एप्पल बन गई है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों किस लड़ाकू विमान ने विमान वाहक पोत आई एन विक्रमादित्य पर डेक लैंडिंग के परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी तेजस ठीक है देखिए दोस्तों स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस के नौसेना प्रोटोटाइप ने विमान वाहक पोत आई एन विक्रमादित्य पर डेक लैंडिंग के परीक्षण के दौरान डेक से संपर्क बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है ठीक है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तेजस अगला हाल ही में किसने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज की है तो हाल ही में दोस्तों जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनावों में एमरसन मना ने ठीक है एमरसन मना ने जीत दर्ज की है देखिए दोस्तों एमरसन मना ने जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति चुनाव जीता है और जीत के लिए आवश्यक 50 परसेंट से अधिक वोटों की तुलना में मना गा गा ने जो तो बहुत मामूली अंदर से जीत दर्ज की है ठीक है इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति मोगाबे के शासन के सैंतीस वर्षों बाद जिम्बाब्वे में चुनाव आयोजित किए गए हैं तो हाल ही में किसने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है तो ये की है एमरसन मना ने और जिम्बाब्वे की राजधानी दोस्तों वो है हरारे ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों किसे हिंदी अकादमी दिल्ली में दो हजार के लिए सर्वोच्च शलाका सम्मान दिया गया है प्रदान किया गया है इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जावेद अख्तर देखिए दोस्तों हिंदी अकादमी दिल्ली ने 2017-18 के लिए सर्वोच्च शालका सम्मान कवि और शायर जावेद अख्तर को दिया है ठीक है यानी ऑप्शन सी राइट है अगला क्वेश्चन दोस्तों किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा नेस्ता योजना लॉन्च की है दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ठीक है देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री युवा नेस्तम लॉन्च किया है और आपको बता दें कि एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से राज्य में बेरोजगार युवाओं को प्रति माह एक हज़ार रुपये का भत्ता प्रदान किया जाए कितने रुपए का एक हज़ार रुपये का भत्ता प्रदान किया जाएगा दोस्तों इसमें 22 से पैंतीस साल के जो आयु वर्ग के लगभग 12 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और इस योजना के सभी पात्र लोगों को लाभान्वित करेगी भले ही उनके परिवार में एक से अधिक लाभार्थी हूँ ठीक है बात करें आंध्र प्रदेश की तो राजधानी हैदराबाद और गवर्नर है ई एस एल नरसिम्हन मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू जी ठीक है एम चंद्रबाबू नायडू जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा नेस्था योजना लॉन्च की है ये लॉन्च की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके जो है तो इसमें बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह एक हज़ार रुपये का भत्ता प्रदान किया जाएगा ठीक है काफ़ी अच्छी योजना है ये अगला अगला क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पहली व्यापार एवं निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है तो हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी पहली व्यापार एवं निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है देखे दोस्तों जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी पहली व्यापार एवं निर्यात नीति को मंजूरी दे दी, दी है और नीति का उद्देश्य समाज की अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित प्रतिस्पर्धा इकाई बनाना है ठीक है तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पहली व्यापार एवं निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने चलिए आप देख लेते हैं दोस्तों कल का आंसर कल मैंने क्वेश्चन पूछा था चौबीसवा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे मिलेगा तो चौबीसवां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दोस्तों गोपाल कृष्ण गांधी जी को मिलेगा यह पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर थे तो लगभग सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया था अब देख लेते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन आज का क्वेश्चन दोस्तों किस भारतीय मूल को प्रतिष्ठित फील्ड पदक फील्ड मेदक प्राप्त हुआ जिसे गणित के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है ऑप्शन अक्षय वेंकटेश आचार्य विनोद भावे डॉक्टर नागन सिंह ए रहमान कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर लिखना है बहुत कम लोग कमेंट करते हैं लगभग लाखों लोग वीडियोस देख लेकिन कमेंट करने में कंजूसी करते हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को कमेंट भी नहीं करते दोस्तों प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ अच्छा लगता है साथ ही वीडियो कैसी लगी जरूर बताएंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएंगे अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें घंटी भी दबा दें ताकि आपको डेली ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे मॉर्निंग में पाँच बजे और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम आपका दिन शुभ हो